हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग द चैप्टर कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट अंडर इट नो वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू स्टडी बिहेवियर ऑफ कॉस्ट कर्व्स. फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट टोटल वेरिएबल कॉस्ट एज वी नो दैट वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल इज वेरिएबल कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स दैट इज पेड टू वेरिएबल फैक्टर्स और वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट के साथ साथ मूव करती है आउटपुट बढ़ती है तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाती है और अगर आउटपुट कम हो जाए तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाती है अब हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बिहेवियर को एनालाइज़ करना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट की स्लोप अपवर्ड होती है ये हमेशा एस लेटर की तरह इंग्लिश के एस लेटर की तरह लगती है जो फ्लिप हो गया है पहले फ्लैट और फिर स्टीपर ये शेप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ट्रेंड को शो करती है अब इसके बिहेवियर की बात करते हैं तो इसके बिहेवियर के दो फेजेस होते हैं फर्स्ट फेज होता है इनिशियल टीवीसी इंक्रीजेस सी इनक्रीजेज एट डिमनिशिंग रेट मतलब स्टार्टिंग में जो टीवीसी की कव है उसको ध्यान से देखिए कि टीवीसी की कव जो स्टार्टिंग में है वो इंक्रीज शो कर रही है पर डिमिनिशिंग रेट पे इसका मतलब मीन्स पहले ज़्यादा इंक्रीज़ होती है फिर थोड़ा कम इंक्रीज़ होती है फिर उससे थोड़ा कम इनक्रीज होती है मीन्स बढ़ रही है पर घटते हुए ट्रेंड से एंड सेकेंड फेज जो इसका होता है सेकेंड फेज इज इवेंचुअली टी वी सी इनक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट मतलब एक ट्रेंड के बाद टी वी सी जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इनक्रीज़ करना शुरू कर देती है इंक्रीजिंग रेट से जब टीबीसी कम होती है तो थोड़ी और आउटपुट बढ़ने के बाद टीबीसी इंक्रीजिंग ट्रेंड से बढ़ती है इसीलिए ये कर्व जो है वो एस जैसी शेप वाली कर्व जो है वो बनती है नाउ वी विल डिस्कस द बिहेवियर ऑफ फिक्स्ड वेरिएबल एंड टोटल कॉस्ट अब टोटल कॉस्ट फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट के बिहेवियर को देखेंगे वी हैव ऑलरेडी स्टडीड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज फिक्स्ड एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस and the total variable cost is the cost which increases with increase in output we are studying uh, we are having a combined table of the three cost fixed variable and total from the table we can see that total cost is summation of variable and fixed cost if we talk about total cost total cost only then total cost is a uh, इनक्रीजिंग विद इनक्रीज इन आउटपुट एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग जब आउटपुट ज़ीरो है टोटल कॉस्ट दस रुपये है ठीक है टोटल कॉस्ट इज प्रेजेंट विच इज़ रुपीज टेन बिकॉज ऑफ द फिक्सड कॉस्ट ये फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से है बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट इज रुपीज टेन ऑल दो वेरिएबल कॉस्ट इज ज़ीरो जब आउटपुट बढ़ के छ यूनिट्स तक हो गई तब टोटल कॉस्ट भी बढ़ के फोर्टी एट अड़तालीस रुपए तक की हो गई ये टेबल हमें शो कर रहा है नाउ हेयर इज द डायग्राम दैट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम द टेबल ऑन एक्स एक्सिस आउटपुट इज गिवन एंड ऑन वाई एक्सिस टी वी सी इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट टी सी इज टोटल कॉस्ट एंड टी एफ सी इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टी सी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टी एफ सी एंड टी वी सी टी सी शुरू होती है टेन से फ्रॉम वाई एक्सिस ये इसलिए क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो टेन होती है एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस कांस्टेंट है इसीलिए टीसी एंड टीवीसी पैरेलल होती हैं वन मोर थिंग इज नोटेबल हेयर दैट डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड टीवीसी इज बिकॉज ऑफ टीएफसी एंड टीएफसी इज़ कांस्टेंट हेयर दिस वाज द टॉपिक अंडरस्टैंड इट एंड लर्न इट